चाहती नहीं है कि अर्षी और अनिरुद्ध की शादी हो, तो आए यहीं निपटा देते हैं हम लोग और शादी हो जाए नहीं हो जाए वो। मैंने स्वयं इन दोनों की शादी करवाई थी। अनिरुद्ध आप चुप क्यों? बोलो, इनके सवालों के जवाब तुम ही दे सकते हो। बनावटी शादी? तुम इन पवित्र रस्मों को बनावटी बता रहे हो? ऐसी बातें करने की तुम्हारी इस मंदिर में हिम्मत कैसे हुई? हम कुछ नहीं कर पाए, डर गए थे, टेंशन में थे, वेट किया है वो फाइनली आज हो रही है। तो आप शादी नहीं कर सकती? सारे पंडित यहाँ आ गए। नजरों में तुम दोनों पति पत्नी हो। बॉस क्यों? इनकी शादी सब नाटक था जैसा फिल्मों में होता है। तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन अगर तुम दिमाग से सोचो कि संग होगी तो तुम्हें लगेगा कि मेरी बात सही है। इस कोने में जो ये लड़की खड़ी है ना, अपना सिंदूर पोंछ के, ये ये तो होना ही था। वैसे भी ऑडियंस चाहती नहीं है कि अर्षी और अनिरुद्ध की शादी हो, तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही दिल से मांगा था कि अर्चन आ ही गई। और क्योंकि झनक और अनिरुद्ध की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, कश्मीर में ही हो चुकी है, और अर्षी की किस्मत मान लो वही पंडित वही पुजारी आए हैं इस शादी में भी, तो उन्होंने पहचान लिया कि अनिरुद्ध और झनक की तो शादी हो चुकी है, ये लड़का दूसरी शादी कैसे कर सकता है। तो शादी रुकवा दी गई है। अब क्या होता है, अर्षी कैसे रिएक्ट करती है, या सब कुछ मामला यहीं निपटा देते हैं हम लोग और शादी हो जाए नहीं हो जाए वो देखना पड़ेगा आपको झनक में। नहीं नहीं अर्षी तो बहुत बहुत एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि इतने ज़्यादा एक के बाद एक इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ अर्षी को बार बार धोखा मिला है, तो वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी। बट फिर भी मन में एक तसल्ली थी कि इतने टाइम से जिस चीज़ का वेट किया है वो फाइनली आज हो रही है। तो आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ चाहते हो और वो आपको वो चीज़ पूरी हो रही है, उस दिन का आपको इंतज़ार था वो फाइनली दिन आ गया है, तो आप की एक एक्साइटमेंट होती है, एक खुशी होती है उस दिन के लिए। बट हियर वी आर, और वो एक्साइटमेंट पूरी चकनाचूर हो चुकी है। सो या शी इज़ हार्ट ब्रोकन। नहीं एक्चुअली अनिरुद्ध से नाराज़ नहीं हूँ मैं, शायद अपनी किस्मत से नाराज़ हूँ, क्योंकि अनिरुद्ध तो शादी करना चाहता था और अनिरुद्ध आया है मंडप में शादी करने अर्षी से, और वो अर्षी की साइड भी ले रहा है कि मैं अर्षी से प्यार करता हूँ, वो बनावटी शादी थी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ये ऐसे बन रहे हैं कि शादी हो ही नहीं पा रही। सो मे बी अर्षी शुड टेक अ हिंट एंड she should accept the fact that Jhanak and Ani are meant to be together. I hope so. हम जो भी करते हैं वो अच्छा content बनाने के लिए करते हैं और लोगों को पसंद आए इसलिए करते हैं, तो हमारा effort इसी चीज़ के लिए है। I hope हमारा effort रंग लाए।